लॉकडाउन से पहले जब सर धंधा कुछ चलता था, और जो लॉकडाउन के बाद में सर जो मेरा धंधा बिल्कुल नष्ट ही हो गया मतलब, और उसमें मुझे बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ी। हालांकि परेशानी जैसे पात्र का एक नया मंत्र दे दिया देश को, आत्मनिर्भर भारत। इन कठिन परिस्थितियों में जब सचमुच में नेतृत्व की परीक्षा होती है, चुनौती को अवसर में बदलते हुए आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया। बहनों और भाइयों, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, इसके लिए हमने विस्तृत विचार विमर्श किया है वेबिनार के माध्यम से नीति आयोग के साथ मिलकर। माननीय प्रधानमंत्री जी के पास मैं भेजूंगा और उनके आशीर्वाद के बाद फिर 3 साल का हम रोड मैप तैयार करेंगे। लेकिन आज मेरा मन बहुत हर्षित है, प्रफुल्लित है, इसलिए कि समाज का वो वर्ग, व्यापार करने वाले सबसे गरीब भाई और बहन जो सड़कों पे, गलियों में सर पर टोपी रख के, हाथ मेला में सड़क के किनारे बैठकर, फुटपाथों पर अपना छोटा मोटा व्यवसाय चलाते हैं, लॉकडाउन ने उनकी आजीविकाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। मेरी कई मध्य विक्रेताओं से बातचीत, योजना में अभी तक 5,000 से ज्यादा लोगों को लाभ मिल चुका है और हमारा 20,000 से ऊपर का टारगेट है, हम लोग उसका टारगेट पूरा करेंगे। बैंकर्स को भी हम लोगों ने 2-3 राउंड की बैठकें ले ली हैं। 10,000 की जो माइक्रो फाइनेंसिंग है फिलहाल के लोगों की, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन की तरफ से योजना संचालित है, तो ग्रामीण क्षेत्र में अभी टारगेट हमारे कम पूरे हो पाए हैं। लगभग 200 लोगों को लाभ मिल पाया है, उसको भी हम शीघ्र एक्सपीडिएट करके सब लोगों को लाभ दिलाएंगे। अभी पात्रता पर्ची में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने अभियान चलाया है और हमारा 1,40,000 का टारगेट था, इसमें से 15,000 लोगों के आधार नहीं मिले हैं। बाकी 1,25,000 लोगों को हम लोगों ने राशन की पात्रता पर्चियाँ दे दी हैं, उनको इस महीने से राशन वितरण शुरू हो जाएगा। ये इसके अलावा हम लोगों ने वनाधिकार के पट्टे पर भी काम किया है, तो जितनी भी शासन की महत्वपूर्ण योजना है उस पर हम लोग लगातार कोशिश करते जा रहे हैं।